आज हम लोग बैगन और ब्रिंजल जिसके मेजर इंसेक्ट पेस्ट एंड उसके डैमेज एंड किस कैसे उसको मैनेजमेंट किया जाए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैगन में जो मुख्य कीड़ा है, जो मेन पेस्ट है, जैसे ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर जिसको हम लोग हिंदी में तना और फली छेदक बोलते हैं, उसके बाद जो है हड्डा बीटल और स्पॉटेड बीटल बोलते हैं, उसके बाद जो है बैगन का स्टेम बोरर जो तना में जो है और जड़ में जो लगता है बैगन का स्टेम बोरर है, उसके बाद जो चूसने वाले कीड़ा है इसमें ब्रिंजल लीफ हॉपर, ब्रिंजल एफिड जो है ये मेजर है। तो हम एक 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 करके सब इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन, नेचर ऑफ डैम और नेचर ऑफ डैमेज और इसका मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। पहले आते हैं बैगन का शूट एंड फ्रूट बोरर। तो बैगन का शूट एंड फ्रूट बोरर आप देख रहे हो, जो बैगन का फ्रूट में जो वो कैसे इसको छेद करके इसको जो है अनमार्केटेबल बना देते हैं। ये इनके दोनों जो लार्वा एंड एडल्ट, जिसको हम लोग लार्वा को हम लोग कैटरपिलर बोलते हैं, दोनों ही जो है दोनों में से जो कैटरपिलर स्टेज है ये स्टेज में है इन्फेस्टेशन होता है, एडल्ट इन्फेस्टेशन नहीं करता है। ओनली कैटरपिलर इज ओनली द कॉजिंग डैमेज। कैसे डैमेज करते हैं, ये इनिशियल स्टेज में जो है शूट में ये डैमेज करता है, इनिशियल स्टेज में शूट में डैमेज करता है। तो वो देखने में आपके जरिए जो ये इनिशियल स्टेज में जो है ड्रूपिंग लाइक सिम्टम होता है इनका, इनका सिम्टम जो है ड्रूपिंग लाइक होता है। इसमें शुरू में ये छोटा छेद करके इसके अंदर घुसते हैं और जब निकलता है तो इट द होल साइज जो है वो बड़ा होता है और जो शूट है शूट को देखने में लगता है ये ड्रूपिंग लाइक अपियरेंस है। जब फ्रूट आ जाता है तो फिर ये फ्रूट में इन्फेस्टेशन स्टार्ट करते हैं, फ्रूट में छोटा छोटा छेद करके पहले जो टेंडर फ्रूट है उसके अंदर घुसते हैं, देन इट विल कम आउट एंड द जो फ्रूट का होल है उसका साइज जो है बड़ा हो जाता है एंड उसके अंदर जो एक्सक्रीटा है एक्सक्रीटा जमा करके रखते हैं। तो ये जो है मैक्सिमम जो ब्रिंजल है ब्रिंजल का प्रोडक्शन में हैम्पर करता है, कभी कभी 90-95% जो है ये डैमेज। ये एडल्ट का फोटो है, ये है एडल्ट, ये जो है इसको हम लोग फेरोमोन ट्रैप में कैप्चर कर सकते हैं और ये एडल्ट जो है एडल्ट डैमेज नहीं करता, इट इज फ्री लिविंग। अब जो है हम आएंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में हम बताना चाहेंगे। हम लोग जो है ब्रिंजल जहां पे मोनोक्रॉपिंग है जो कंटिन्यूअस ग्रोइंग करता है जहां पे, उसमें हम लोग जो है उसको ना कंटिन्यू ग्रो करें ब्रिंजल, अगर कंटिन्यू ग्रो करते हैं तो उनको जो है ईयर वाइज जो है इनका इन्फेस्टेशन बढ़ता जाता है। तो हम लोग ब्रिंजल के जगह दूसरा फैमिली का कोई भी क्रॉप हम लोग लगा सकते हैं, जैसे पल्सेस वगैरह, सीरियल्स वगैरह, जो उनको लाइफ साइकिल को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद हम कुछ रेजिस्टेंट वैरायटीज है, जैसे आप लोग देख सकते हो अन्नामलाई, पूसा पर्पल, अर्का कुसुमांकर और भी सारे, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, इसका भी हम यूज करते हैं। ये वैरायटी जो है रेजिस्टेंस पाया गया है। इसके बाद हम लोग जो है बिकॉज ये इंसेक्ट जो है बहुत बड़ा है तो हम इजीली इसको जो है नेकेड आइज में देख सकते हैं, तो इसको हम लोग कलेक्ट और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। और जो शूट में जो इन्फेस्टेशन जैसे हम दिखाए फोटोग्राफ में ड्रूपिंग होता है उसको भी हम तोड़ के इनका जो है पॉपुलेशन को रोक सकते हैं, व फ्रूट में भी अगर इन्फेस्टेशन है तो फ्रूट को भी तोड़ कर इसका इन्फेस्टेशन को जो है बहुत हद तक रोक सकते हैं। हम लोग लाइट ट्रैप यूज कर सकते हैं, लाइट ट्रैप इसलिए यूज कर सकते हैं जो इसके एडल्ट है वो नॉक्टर्नल है, तो इसको लाइट ट्रैप में हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। लाइट ट्रैप का जो रिकमेंडेशन है एक ट्रैप प्रति हेक्टर। उसके बाद हम कुछ बायोकंट्रोल एजेंट जैसे एक पैरासिटॉइड जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोगामा किलोनिस, 1 लाख प्रति हेक्टर के दर से हम लोग जो है फील्ड में मल्टीप्लीकेशन फील्ड में लगा सकते हैं। ये जो है जो ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर का एग है इसको जो है ये पैरासिटाइज करेगा। इसके बाद जो है हम लोग और एक बायोपेस्टिसाइड जिसको नाम है बीटी, आप लोग जानते हैं बाजार में बैसिलस थुरिंजिनेंसिस के नाम से जो डाइपेल है इसके नाम से मिलता है, इसका जो डोज है 1.5 to 2 ml प्रति लीटर पानी में हम लोग इसको घोल करके दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम कोई केमिकल पेस्टिसाइड, जो हमारे किसान भाई केमिकल पेस्टिसाइड के यूज करना चाहते हैं तो उसमें वो केमिकल पेस्टिसाइड का भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारे इधर मार्केट में बहुत सारा नया केमिकल पेस्टिसाइड आया हुआ है, जैसे
हम कुछ एग्जाम्पल इसमें दिए हैं, जैसे फ्लूबेंडामाइड है, उसके बाद क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल है, उसके बाद थायोडिकार्ब है। हाँ, ये सब पेस्टिसाइड का हम लोग यूज़ करके भी जो है पॉपुलेशन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। कुछ बायो इंसेक्टिसाइड्स है जिसमें हम इसमें नहीं दिए हैं, जैसे इमामेक्टिन बेंजोइट का नाम बताना चाहेंगे। इसका डोज जो है 1 ग्राम प्रति 4 लीटर पानी में घोल करके हम इसको स्प्रे करते हैं। स्पाइनोसैड करके नाम से आता है ये, 0.3 ml प्रति लीटर पानी में। जो हम फ्लूबेंडियामाइड का नाम बता रहे हैं, फ्लूबेंडियामाइड भी हम लोग 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। साकी इंसेक्ट जो है उसके अगेंस्ट में हम लोग सिंथेटिक पायरीथ्रॉइड नहीं छिड़काव करेंगे। सिंथेटिक पायरीथ्रॉइड में जो आता है जैसे साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, ये हम इसलिए नहीं छिड़काव करेंगे जो इससे जो है रिसर्जेंस का जो है डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। और जब हमारा फ्रूट मैच्योरिटी में आएगा उस समय हम ज़्यादातर ग्रीन इंसेक्टिसाइड से ही कंट्रोल करने का चेष्टा करेंगे, ना ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड। इसके बाद जो है हम हमारे दूसरे जो इंसेक्ट है, जैसे हम हड्डा बीटल के नाम बताए थे, जो हड्डा बीटल है, ये हड्डा बीटल्स जो है हमारे जो है शुरू में वेजिटेटिव स्टेज में लगाते लगता है, ठीक है, वेजिटेटिव स्टेज में हम इनको एडल्ट है, थोड़ा सा हेजी आ रहा है फोटो, इसलिए इसका क्लोज थोड़ा सा ये है, ये एडल्ट है, बट इनका ग्राफ स्टेज ही जो है डैमेज करता है। इनका डैमेजिंग सिम्टम हम दिखाना चाहेंगे, जो ये लीव्स है, लीव्स को ये जो है स्क्रैपिंग करते हैं, स्क्रैपिंग करके पूरा स्केलेटोनाइज करके जो है ऐसे करके जो है उसको डैमेज करते हैं, कंप्लीट लीव को डैमेज करते हैं, जो ये लुक लाइक है, मतलब सिकली अपीयर, मतलब लीव जो है प्रॉपर नहीं है, मतलब जो है सिक हो गया है, तो ऐसे दिखाता है, लेस लाइक अपीयरेंस, बट थ्रेड लाइक, आप देख रहे हो इसमें जो मेरा फिंगर देख रहे हो, थ्रेड लाइक अपीयरेंस दिख रहा है लीव में, तो दिस इज देयर इन्फेस्टेशन सिम्टम। तो ये जो है, ये जो इनका ग्राफ जो है, जो इमेच्योर स्टेज है, ये जो है, ये इनिशियली ये ग्रीन मैट प्लांट ये लीफ में ही कन्फाइंड रहता है, लीफ में ही डैमेज करता है, तो ये जो है ग्रीनिश मैटर ऑफ द लीफ को ये जो है स्क्रैप करता है, और जो जो ये वेन्स है और वेनलेट्स इस यही रह जाता है, और ग्रीन मैटर को ये कंप्लीटली कंज्यूम करता है, ये वोरासियस फीडर है। तो जब इसका डैमेज होता है तो लीफ जो है लेस लाइक अपीयरेंस आप लोग देख सकते हो, लेस लाइक अपीयरेंस होता है, और लुक लाइक सिक, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, तो अस्वस्थ बोलते हैं। तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसना चाहेंगे, ये जो कंप्यूटर फोटोग्राफ है, ये जो देख रहे हो ये ग्रव है, जो ग्रव है यही जो है यही स्क्रैपिंग करता है, स्क्रैप करके ये डैमेज करता है। अब जो मैं मैनेजमेंट में आता हूँ, मैनेजमेंट में बिकॉज ये थोड़ा बड़ा इंसेक्ट है तो इसको हम लोग कलेक्शन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम जो है इसको इसके लिए हम लोग जो है हमारे गांव घर में राख आता है, तो राख का छिड़का भुरकाव करके उसमें हल्का सा केरोसिन ऑयल अगर हम लोग डाल के लीप के अंदर रखते हैं तो ये रिपेलेंट का काम करते हैं, इससे जो है हमारा जो हड्डा बीटल है इनका इन्फेस्टेशन नहीं के बराबर होता है। कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन हम बता चुके हैं, कुछ पैरासिटॉइड्स है जो उसको भी यूज करके हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, लाइक ट्रिस्टा स्ट्राइकमोब्यूल लार्वल पैरासिटॉइड है, उगा मेनोई, तो ये भी यूज करके हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड लाइक नीम बेस्ड प्रोडक्ट NSKE नीम ऑयल, इसका भी हम लोग छिड़काव कर सकते हैं, और 5 ml पर लीटर पानी में घोल करके, और केमिकल पेस्टिसाइड में अभी रिसेंटली मार्केट में क्लोरोपाइरीफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, इसका 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे करके हम इस इन्फेक्ट को जो है इनका इन्फेस्टेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्टेम बोरर है, ये इसमें यही अंतर है, शूट एंड फ्रूट बोरर जो है ये शूट तना और फल में ही डैमेज करता है, स्टेम बोरर जो है जो स्टेम में जो है उसी में जो इसका डैमेज है, और ये जो है टेंडर प्लांट को डैमेज नहीं करता, ये डैमेज करता है ओल्डर प्लांट को, और ओल्डर प्लांट में जो है ये जो है बेस पोजीशन में जो स्टेम है, स्टेम में ये छोटा छेद करके मेक ए वेरी स्मॉल होल एंड दे विल एंटर इन दैट, एंड जब वो छेद बड़ा होकर जब वो निकलता है तो इसके अंदर कंप्लीट जो है फील्ड विथ एक्सक्रीटा रहता है, इससे क्या होगा ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है,
पत्ता सूख जाता है एंड प्लांट जो है विल्टिंग हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है प्लांट, इसमें और कोई न फल आता है न फूल आता है। तो इसका यही डिफरेंट है, ये सिर्फ स्टेम में ही डैमेज करता है और ओल्डर प्लांट को ही डैमेज करता है। और इसका मैनेजमेंट जो है, इसको कैसे मैनेज करें, हमारा शूट एंड फ्रूट बोरर जैसे हम मैनेज किए हैं, सेम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हम इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लाइट ट्रैप यूज कर सकते हैं, कलेक्शन एंड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप यूज कर सकते हैं हम लोग, केमिकल जो जो यूज किए हैं शूट एंड फ्रूट बोरर के केस में, स्टेम बोरर में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और लार्वल पैरासिटॉइड भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो बोरर्स जो है और बीटल्स। अब आते हैं चूसने वाले कीड़े में। चूसने वाले ये इनका डैम जो एडल्ट है, और इसका डैमेजिंग सिम्टम है स्टेम बोरर का। अब आते हैं जो हॉपर में, हॉपर में हम लोग कैसे इनको सिम्टम हम लोग देखते हैं। आपके सामने जो फोटोग्राफ है आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा ओल्ड फोटो है, इसमें देख रहे हो जो ये ब्लैकिश ब्लैकिश जो स्कार्स है, ये पहले योलोइश होता है, हल्का सा लाइट योलो होता है, फिर जो है ये बिकम ब्राउनिश, नॉट ब्लैकिश, आई कैन से भूरा कलर जिसको बोलते हैं, भूरा कलर हो जाता है। ये हॉपर का ये वाला लिप में हम आपको दिखाना चाहिए, ये जो योलोइश है ये जो है सक करके ये जूस निकालता है, जूस निकल के जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भूरा कलर का होता है। ये मैं थोड़ा सा जो है वेट सैंपल है हॉपर का, मैं पता नहीं आप लोग देख सकते हो, जो जो छोटा छोटा जो हॉपर्स है तो इतना क्लियर नहीं। हाँ अब थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है आपको। ये जो है यही जो है इनका ग्रब एंड एडल्ट दोनों स्टेज ही ये जो है डैमेज करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, ये जो हॉपर्स है ये वायरस भी ट्रांसमिट करता है, जो वायरस है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ये देख रहे हो आप मेरे सामने जो फोटो है, जो ये नॉर्मल लीव्स है, और ये जो है इनके सामने जो है ये जो छोटा छोटा लीव्स है, दिस इज द सिम्टम ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ये जो है दिस इज द सिम्टम ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल दैट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाई दिस हॉपर्स। ठीक है, तो दिस आर द इन्फेस्टेशन इज कॉज्ड बाई द ब्रिंजल लीफ हॉपर। जैसे हम बताना चाहेंगे जो ब्रिंजल लीफ हॉपर का नीम एंड एडल्ट दोनों ही डैमेज करता है, और इनका डैमेज से डैमेज जो है पेटियोल पे होता है, ब्रांचेस पे जो है इसका डैमेज से जो है ग्रो ब्रांचेस का ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, एक बुश लाइक अपियरेंस हो जाता है लीफ में। और जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल आप देख रहे हो, इसका लीफ साइज भी छोटा हो जाता है, और ये भी लीफ जो है अपवर्ड कर्लिंग कर्लिंग के अपियरेंस में आता है। तो ये डिजीज वायरस डिजीज भी ट्रांसमिट करता है, और जो है लीफ पे भी जो है ये योलोइश होता है और भूरा कलर का होता है, हो जाता है इसका इन्फेस्टेशन से। तो अगर इसको हम लोग कंट्रोल ना करें तो हमारा जो है शुरू शुरू में ही अगर इन्फेस्टेशन इसको हो जाए, लिटिल लीफ अगर आ जाए, तो ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है पूरा बैगन का फील्ड को। तो इसके लिए हम जो है नर्सरी में ही जो है हम वो इसको बीज शोधन करेंगे। बीज शोधन करने के लिए हम लोग जैसे इमिडा क्लोरोपीट का यूज कर सकते हैं, थायोमिथोक्साम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 5 ग्राम शोधन के लिए हम लोग जो है इमिडा क्लोरोपीट और थायोमिथोक्साम का 5 ग्राम प्रति केजी के सीड के दर से हम लोग बीज शोधन कर सकते हैं। बाद हम लोग सीडलिंग डिप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी में घोल बना के इमिडाक्लोपीड और थायोमिथोक्साम। इसके बाद जब हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग के 20 से 25 दिन के बाद से ये इमिडा और थायोमिथोक्साम का जो है ऑल्टरनेटिवली 15 डेज इंटरवल में 3 से 4 स्प्रे अगर हम लोग कर दे, तो इससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन जो है बहुत हद तक कम हो जाएगा और इन्फेस्टेशन नहीं के बराबर होगा। और अगर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल आपके फील्ड में आ जाता है तो आपको सबसे अच्छा है रोग आउट, मतलब इसको एकदम जड़ से काट के मिट्टी सहित जो है दूसरे जगह में ले जाकर उसको गाड़ देना होगा, नहीं तो जला देना होगा। अगर ये हमारे फील्ड में रह जाए तो ये जो डिजीज और स्प्रेड करेगा, इससे जो है हमारा आसपास के जो और पौधे है बैगन का इसमें भी इसका सिम्टम आ जाएगा, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन में बहुत हद तक मतलब बहुत हैम्पर हो जाए। तो इसीलिए हम नर्सरी और बीज शोधन करेंगे, और बीज शोधन करने के बाद भी हम अगर सीडलिंग डिप ट्रीटमेंट करते तो इससे बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आईपीएम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आईपीएम बैगन के आईपीएम के बारे में। आईपीएम में जैसे डीप समर प्लाविंग, जो सॉयल में जो प्यूपेशन करते हैं जो कीड़ा, उसको जो है अगर हम समर प्लाविंग करते हैं तो प्यूपा सनलाइट के अंदर एक्सपोज हो जाता है,
उससे जो है बहुत हद तक हमारा पॉपुलेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज फ्रूट, ये आप लोग जान ही रहे हो, जो शूट एंड फ्रूट बोरर के केस के लिए हम लोग बता रहे हैं, जो शूट एंड फ्रूट बोरर का डैमेज देते हैं उससे अगर हम कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय करें तो उससे पॉपुलेशन कम होगा। रोग आउट लिटिल लीफ ऑफ ब्रेजल अफेक्टेड प्लांट, मतलब उखाड़ के फेंकने के लिए जो बता रहे हैं, और जलाने जला भी सकते हैं, गाड़ भी सकते हैं। बर्ड परचेज भी हम लोग मेकेनिकल कंट्रोल में आता है, बर्ड परचेज यूज कर सकते हैं। बर्ड परचेज से क्या होगा, जो हमारा प्रीडेटरी बर्ड्स है वो क्या करेगा, उनके बीक से जो है जो पिल्लू दिखाई देता है वो उसको उठा के लेके जाता है, इससे जो है पॉपुलेशन जो है बहुत हद तक चेक होता है। फेरोमोन ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, 4 ट्रैप प्रति एकड़ और 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के दर से हम लगा सकते हैं। जिससे इसके लिए ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर, ब्रिंजल स्टेम बोरर का भी हम ट्रैप जो है यूज कर सकते हैं। योलो स्टिकी ट्रैप हम लोग जनरली जो चूसने वाले कीड़ा है उसके लिए यूज करते हैं, वो जो जिस स्टिकी ट्रैप से जो है वो ट्रैप हो जाता है, इससे इसका जो है पॉपुलेशन चेक करते हैं। क्लिपिंग बोरर डैमेज शूट, बोरर बोरर का जो शूट होता है उसको अगर हम क्लिपिंग कर देते हैं तो इससे जो है जो उसका जो स्प्रेडिंग होता है वो स्प्रेड जो है हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। लाइट ट्रैप हम बता चुके हैं ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर के केस में। इसके बाद केमिकल कंट्रोल में, केमिकल कंट्रोल में हम नीड बेस्ड एप्लीकेशन जैसे हॉपर्स के लिए इमिडाक्लोरोपीड, फ्रूट बोरर शूट बोरर के लिए हम लोग जैसे इंडोक्सोकार्ब, क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल, फ्लूबेंडामाइड, स्पाइनोसेट करना। उसके बाद हम लोग प्रोफाइलैक्टिक स्प्रे के लिए नीम सीड कर्नल एस्टर, नीम बेस्ड फॉर्मुलेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो यही है ब्रिंजल का जो इंसेक्ट पेस्ट और उसका डैमेज। थैंक यू।